हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आप सभी गेमर्स के लिए। काफी ज्यादा जो है वीडियो निकल के आ रही है कि हमारे इंडिया में जो IQ9 सीरीज जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है। आज की वीडियो में सारे कुछ मैं डिटेल्स बताने वाला हूं कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या जो है वो किलर आपको प्रोसेसर वगैरह सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिलने वाला था। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का पूरा एंड तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार IQ9 सीरीज, जी हाँ, काफी टाइम से इस स्मार्टफोन का इंडिया में बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे और जो लोग गेमिंग करते BGMI जो अपने स्मार्टफोन में खेलते हैं, तो उन सभी के लिए जो ये वाली स्मार्टफोन जो है वो काफी क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इसकी अब स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, इसमें मेंशन किया गया है और इसकी रिलीज डेट जो है वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो का आपको टिल एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट। जी हाँ, सभी को आपको सबका बहुत ये स्मार्टफोन जब 5 मई 2022 को जो है वो रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, 5 मई 2022 को ये रिलीज हो जाएगी। अब मैं बात करने वाली थी प्राइस, तो प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इस प्राइस क्या क्या आप देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप इस स्पेसिफिकेशन पे आप गौर करो, तो की स्पेसिफिकेशन जो है हाईलाइट्स निकल के आ गई है। तो सबसे पहले आप एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 12 जो है इसके अंदर जो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं परफॉर्मेंस की बात की है, जो लोग यहाँ बाकी कपड़ा वाला जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलने वाला है। मतलब इसके अंदर Snapdragon जो है वो 888 का जो है Gen 1 का जो है वो यहाँ प्रोसेसर जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर जो गेमिंग जो काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगी। जिसके अंदर जो ऑक्टा कोर 3 GHz की यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सिंगल कोर जो है वो 2.5 GHz तक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और ट्री कोर जो है 1.8 जो है वो भी आपको GHz क्वाड कोर प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है रैम आपको कितने देखने को मिल जाती है, तो वो आपको रिलीज डेट के साथ बाद जो है वो यहाँ पर पता चलेगा रिलीज के टाइम पे कि इसमें रैम यहाँ पर कितने देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी जो लीक्स के हिसाब से इसमें आपको 8 GB रैम जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है वो काफी बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसके अंदर जो है 6.78 इंच की जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स की बात की जाए 17.22 सेंटीमीटर जो है वो इसकी स्क्रीन साइज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे सुपर एमोलेड से भी ज्यादा अच्छी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और रिफ्रेश रेट जो है इसमें जो 120 से भी ज्यादा आपको जो है वो यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। शायद मेरे ख्याल से 160Hz जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और साथ ही में यहाँ पे अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए, तो वो भी कैमरा जो है बेजल लेंथ विद पंच होल डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो बेजल्स जो है साइड्स के वो भी काफी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में आपको जो है अगर कैमरा सैंपल्स की बात की जाए, तो कैमरा सैंपल में आपको जो है बैक साइड में आपको 3 रियर कैमरा साइड सैंपल जो है वो यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 MP की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और सेकेंडरी जो है 13 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। एंड तीसरा जो है 12 MP के टेलीफोटो लेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अप टू 20x डिजिटल जूम जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब आप इसमें काफी अच्छी खासी जो है वो जूमिंग करके जो फोटोज वगैरह जो कैप्चर कर सकते हो। अप टू 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें मैं क्लियर नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अलग टाइप का कैमरा जो है वो यूटिलाइज किया गया है। मतलब इनबिल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो गिम्बल्स अगर जानते हो तो गिम्बल से भी काफी अच्छा जो है लेटेस्ट वर्जन वाला जो है वो यहाँ पे इसमें जो है वो लगाया गया, जो कि मैं आगे जाने वाले वीडियो में मैं आपको मैं बता दूंगा। और साथ में आपको डुअल LED फ्लैश भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें आप वीडियो रेजोल्यूशन जो है कितने मेगापिक्सल तक जो शूट कर पाओगे वीडियो की साइज। तो यहाँ पे वीडियो की साइज 4K 30 FPS/s की स्पीड से वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आप इजीली जो है वो कर पाओगे। अब मैं बात करने वाला इसके फ्रंट कैमरा सैंपल में, तो फ्रंट कैमरा सैंपल में जो आपको 16 MP का वाइड एंगल लेंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें भी आप जो फुल HD 30 FPS/s की स्पीड से आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला इसकी बैटरी सेक्शन के अंदर, तो बैटरी जो पहले मैं बता दूं बैटरी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी इंप्रूव कर दिया जा सकता था इसको। लेकिन आपको जो चार्जर जो है वो मिल रहा है उसके साथ जो है वो बैटरी जो है वो जो है आपको डीमोनेटाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी जो है वो 4000
1700 mAh की आपको बैटरी जो आपको देखने को मिल जाती है, जिसके साथ ही साथ आपको जो है 120 वाट का जो आपको सुपर फास्ट चार्जर जो USB TC टाइप के साथ जो आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज बैटरी 15 मिनट से कम में जो आपको स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज कर देगा। तो मैं बात करने वाला इसमें जनरल जो है वो सिम कार्ड जो है वो किस टाइप का देखने को मिल जाती है, जो कि जनरल सिम कार्ड जो है दोनों सिम कार्ड जो है नैनो सिम कार्ड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी इंटरनल मेमोरी वगैरह की बात की जाए, इंटरनल मेमोरी जो 256 GB जो है वो इंटरनल मेमोरी आपको देखने को नॉन एक्सपेंडेबल, मतलब जो आप इसमें जो मेमोरी कार्ड जो आप नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो सारा लिंक्स के अकॉर्डिंग जो है मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या जो है वो यहाँ पे आपको डिटेल्स स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला इसकी प्राइसिंग, प्राइसिंग जो है वो थोड़ी हाई है, लेकिन जो ये जो है वो किलर लेवल का जो है स्मार्टफोन होता है। जो लोग IQ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो गूगल कर लेना, उनके पास सारा कुछ है। ये स्मार्टफोन जो है गेमिंग से रिलेटेड ही स्मार्टफोन बनाती है, इसकी प्राइस जो है वो 47,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, शायद उससे कम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो आई होप अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिले, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।